और फाइनल जो टाइम है डाटा कलेक्शन उसे हम देख लेते हैं। वो है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स। तो ये क्या होता है इंफॉर्मेशन इज क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल। तो इसको दो टाइप से किया जाता है, मीनिंग मेथड जो क्वेश्चनरीज पे डिपेंड होता है। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में अचानक आपके सामने मेल आ जाता है, या फिर आप गूगल खोलते हो अचानक आपको सर्वे आ जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप वो सर्वे भरिए या स्किप करिए। तो वो जो क्वेश्चनरीज आती है कुछ आपको पूछा जाता है कि क्या चीज़ आपको पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है, आपको भरना रहता है। या फिर आप कहीं मॉल घूमने गए, मॉल घूमने गए तो आपके पास एक पॉम्पलेट आता है, ये पॉम्पलेट लीजिए। और या फिर आप किसी शॉप में घुसे, एडिडास के शॉप में घुसे, वहाँ पर एडिडास के शॉप में जा करके आपको देखा कि पॉम्पलेट जाके भी आप भरिए उसे कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पसंद है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको टिक लगाना रहता है और नाम डिटेल आपका भर के आप दे दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है मेथड, मीनिंग मेथड। या तो बाय पोस्ट आपके पास आएगा या फिर आप किसी का प्रॉपर शोरूम में गए वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आपके पास जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया साइट है वहाँ पे आपको अचानक विजुलाइज होंगे। तो ये क्या होता है मीनिंग मेथड में आता है। ओके, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर मीनिंग मेथड के होते हैं। ओके, तो इसकी सूटेबिलिटी क्या है, क्या कहाँ कहाँ सूटेबल है। ठीक है, पहला क्या है एरिया ऑफ कवरेज इज वाइड, सिंपल बात है वाइड एरिया में इसे कवर किया जाता है। यूट्यूब पे मतलब आप किसी भी कंट्री का किसी का भी डाटा आप आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला है इंफॉर्मेट इज एजुकेटेड, मतलब जो एजुकेटेड लोग ही से भर पाएंगे, पढ़े लिखे लोग ही भर पाएंगे। कोई अनपढ़ गवार है उसको पता ही नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होगा तो उन लोग भर ही नहीं पाएंगे, उनका डाटा हम कलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मोस्टली एजुकेटेड जो लोग हैं वही इन्फॉर्मेट बन सकते हैं और ये मेरिक मेथड के थ्रू डाटा इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहला मेरिट है कि इकोनॉमिकल है, बहुत कम समय में और कम पैसे में इसका काम मेरिक मेथड के द्वारा हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ओके, ओरिजिनल होता है क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेरे से डाटा किसी पास जा रहा है, यूट्यूब के पास जा रहा है, फेसबुक के पास जा रहा है, एडिडास के पास जा रहा है, मतलब डायरेक्टली ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है ओरिजिनल डाटा होगा। अगला है वाइड रेंज ऑफ कवरेज, सिंपल सी बात है इसका कवरेज क्या होगा वाइड रेंज होगा। अगला है डीमेरिट्स, डीमेरिट्स का लैक ऑफ इंटरेस्ट, कई बार हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, हम दूसरे हम बोले नहीं यार नहीं भरना है आपको एडिडास के शोरूम से, हमको नहीं भरना है, कई बार हम सर्वे स्किप कर देते हैं, नहीं देते इंफॉर्मेशन। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, कई बार एजुकेटेड लोग भी लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, आपको लिमिटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में आ रही वो आप नहीं भर सकते, उसको आप नहीं जा सकते, वो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं उसी में से आपको कलेक्ट करना है, तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ओके, थर्ड है लिमिटेड यूज़, तो उसका यूज़ भी क्या होगा लिमिटेड होगा, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉपर कुछ क्वेश्चन ही दे सकते हैं। हम पढ़ेंगे आगे जाके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, किस तरह से बनते भी आगे आपको बताऊँगा। तो ये क्या होता है इसका यूज भी होता है लिमिटेड होता है और एक्यूरेसी लेस होती है। कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में गलत गलत चीज़ों को भर देते हैं, आपको पता ही नहीं है वो क्या पसंद है क्या नहीं है, हमने सीधा ये भरने के लिए क्या भर दिया चलो आगे बढ़ते हैं, तो कई बार इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। अगला होता है जो इसका टाइप है वो है इन्यूमरेटर मैथड। इन्यूमरेटर मैथड मतलब क्या होता है ज़्यादा स्केड्यूल्स के अंदर आ जाता है, स्केड्यूल्स जो होता है इन्यूमरेटर द्वारा भर जाते हैं। इन्यूमरेटर का होता है एक पर्सन अपॉइंट करते हैं इन्यूमरेटर को जो पर्सनली अप्रोच करता है इन्फॉर्मेंट से और क्वेश्चनरीज को भरवाता है। ठीक है, हम भेज नहीं रहे हैं, मेल नहीं कर रहे उसे, बल्कि हमने क्या किया कुछ पर्सन को इन्यूमरेटर को अपॉइंट किया, भैया ये हमारा डाटा है इसे आप कलेक्ट करिए, इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं, लोगों टिक करेगा, इन्फॉर्मेशन भरिएगा और फिर आप ला करके मुझे दीजिएगा। तो इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर को अपॉइंट करता है और वो जा करके घर घर या लोगों से मिल करके उसे भरवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसकी सूटेबिलिटी क्या कैसी होगी, ये सूटेबल हुआ कि नहीं, कि कहाँ सूटेबल हो सकता है। तो व्हेन स्पेशलाइज इंफॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, व्हेन स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जब हमको कोई स्पेशलाइज मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सूटेबल है। ठीक है, सेकेंड है इंफॉर्मेंट आर अनएजुकेटेड, इंफॉर्मेंट क्या है अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे ना हो तो क्या होगा भैया, वो पढ़ा लिखा नहीं वो बोलते जाएगा और इन्यूमरेटर अपना उसको भरेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देख लेते हैं।
ओके पहला क्या है वाइड कवरेज होगा इसका भी, अब ये एक्यूरेट होगा क्योंकि भैया ये आपने जो लोग अपॉइंट किया उन्होंने उन लोग के द्वारा भरा जा रहा है तो इंटरेस्ट होना हो उन लोग एक्यूरेसी इसमें बढ़ी रहेगी ठीक है, लोग जो बताएंगे वही चीज़ें भरी जाएंगी। पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकता है, सिंपल सी बात है आप इनोवेटर से कॉन्टैक्ट करोगे इनोवेटर पर्सनली जा करके डाटा खोल देगा तो पर्सनल कॉन्टैक्ट बना रहेगा। अगला है कंप्लीटनेस, कई बार क्या होता है कुछ इसमें मेलिंग में हम कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ते, कुछ आंसर देते नहीं स्किप कर देते, इसमें कंप्लीटनेस होती है, हम मिलेंगे कुछ चीज़ों को एक फॉर्म अगर भरना चाहोगे तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीटनेस इसमें रहती है। डिमेरिट क्या एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि अब इसमें डायरेक्टली जो पैसा है आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आप एक मेल बनाए और उसको पोस्ट कर दिए, इसमें आपको प्रीमियम रेटर को पैसा देना पड़ेगा तो ऐसे में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि भैया आपने दिया इन्वेटर को, इन्वेटर जहाँ जहाँ जाएगा कलेक्ट करेगा तो उसको समय लगेगा ठीक है। इसी कारण थर्ड पॉइंट आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर अवेलेबल होगा तो ही आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, वरना स्पेशलाइज डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा बिना इन्यूमरेटर। तो थर्ड डिमेरिट है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर। तो हो आपको ये चारों जो पॉइंट है, चारों जो है डाटा कलेक्शन के टाइप्स है समझ में आएंगे। अब हम जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चनरीज किस तरीके से बनता है, एक छोटा सा और टॉपिक है जो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का है उसे भी पढ़ लेते हैं। तो आइए फटाफट समझ लेते हैं कि क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरीज क्या होती है, अच्छी क्वेश्चनरीज की क्वालिटीज क्या क्या होती है। तो पहला देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, क्या होना चाहिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप 100-200 क्वेश्चन दे दिए, 20-25 क्वेश्चन दे दिए, 50 क्वेश्चन दे दिए, बेचारा करते करते ही थक गया हो, समझ में नहीं आया उसको भैया हमारे बाप रे इतने सारे क्वेश्चन है, तो पहले ही देख के बोले इतने सारे क्वेश्चन नहीं होगा छोड़ो उसको स्किप करो, तो नहीं आपका क्वेश्चन का लिमिटेड नंबर होना चाहिए। प्लस लिमिटेड नंबर के साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप किस मकसद से क्वेश्चन डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो फुलफिल होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर का होना लिमिटेड होना चाहिए प्लस आपका जो मकसद है डाटा कलेक्ट करने का वो फुलफिल होना चाहिए, उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चन है। और सेकेंड है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए, MCQ 7 days फटाफट वो राइट पा रहे, लिखने के लिए हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए कि लिखने बैठ जाएगा 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन का, ऐसे उनको नहीं भरेगा क्वेश्चन ठीक है। सेकेंड है सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, और अगर डिस्क्रिप्टिव डालना भी है सिंपल की बात है डिस्क्रिप्टिव डालना है तो आप देखते हो जब आप किसी ऐप को यूज करते हैं उसका रेटिंग करते हो लास्ट में लेता है आप अपने ओपिनियन देते हो, ओपिनियन के एक बॉक्स हो जो कंपलसरी ना हो, भरना अगर चाहे तो भरे टाइम हो और नहीं भरना चाहे अगर कोई भरना नहीं चाहे तो ना भरे ठीक है। और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, वर्ड्स उसके सिंपल होने चाहिए, एकदम टफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना कि सामने समझ नहीं पाए कि आप क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। फोर्थ है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, सिंपल से अगर टफ क्वेश्चन पूछो तो पहले सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए आखिर में टफ होना चाहिए ताकि थोड़ा कम से कम कुछ तो क्वेश्चन भरा है ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं शुरू में टफ पूछ लिए ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर क्वेश्चन का होना चाहिए। ओके सेकंड पर्सनल क्वेश्चन को भी चाहिए, भैया किसका पर्सनल क्वेश्चन मान लीजिए किसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, आप किसके साथ किसी के साथ घूमने जा रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, सब पर्सनल क्वेश्चन कभी नहीं पूछना चाहिए, आप कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र है, कितना कमा रहे हैं, सब पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए ठीक है। सिक्स है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है कि आप कैसे भरना है, क्या भरना है, किस टाइप से भरना है, हर एक चीज़ दी जाएगी, आपको गोला लगाना है या वो क्लिक करना है या राइट मारना है ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली देना चाहिए, आपको नाम कैसे भरना है, एड्रेस फोन नंबर किस टाइप से, हर चीज़ दिखे होनी चाहिए। सेवन है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर इंक्वायरी, तो आप इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हो, उसकी क्यों इंक्वायरी कर रहे हो, क्या चीज़ कलेक्ट कर रहे हो, वो आपको प्रॉपरली बताना क्योंकि हमारा डाटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, किस लिए कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी इंक्वायरी की आपको देनी होगी सामने वाले से डाटा कलेक्ट करते समय ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बताएं भैया क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उसको पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए ठीक है, जब आपने RTE के बारे में पढ़ाई होगा राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। ओके एट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, तो अगर क्वेश्चन बार भरवा रहे हो तो उससे रिक्वेस्ट करिए प्लीज़ भर दीजिए, आप भर करके आप वापस कर दिया, कब करेंगे, एक दिन में करेंगे, 2 दिन में, तो आपका रिक्वेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं ऑर्डर देना है किसी के सर के ऊपर बंदूक रखना है बोला आप भी भर के दें, ऐसा धमकाना डराना धमकाना इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट करेंगे और उससे आप अपना डाटा कलेक्ट कराएंगे ठीक है, तभी वो एक्यूरेट होगा ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकेंडरी डाटा, हमने प्राइमरी डाटा पढ़ लिया अभी तक,
ये सब प्राइमरी डाटा से रिलेटेड है। अब सेकेंडरी डाटा थोड़ा सा है टॉपिक, थोड़ा सा ही हम लोगों को इसमें चैप्टर पढ़ना है, बाकी हम लोग आगे से कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला है सेकेंडरी डाटा, दो टाइप के होते हैं, पहला होता है जो लिखा हुआ पहला पब्लिश और सेकेंड होता है अनपब्लिश। कुछ चीज़ें होती है डाटा होते हैं जो पब्लिश किए जाते हैं, ये पब्लिश कहाँ कहाँ होते हैं, पहला होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो गवर्नमेंट डाटा पब्लिश करती है, सेकेंड सेमी गवर्नमेंट कुछ बॉडीज होती है, प्राइवेट बॉडीज होती है गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करती है और वो डाटा पब्लिश करती है। अगला ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो होती है, ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है और भी जो किसान सभा है या मजदूर यूनियन है, ये सारे लोग क्या करते हैं अपना डाटा कलेक्ट करके पब्लिश कराते हैं कि किस तरीके से स्थिति बनी है, तो ये ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है, ठीक है। अगर फोर्थ है जर्नल एंड पेपर्स, पेपर्स और जर्नल्स में भी डाटा पब्लिश किया जाते हैं, कई बार कुछ मैगजीन है कुछ न्यूज़पेपर है वो डाटा कलेक्ट करवाते हैं और उसे वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, WHO है और UN है, इन लोग भी अपना डाटा पब्लिश कराते हैं इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से स्थिति ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल स्थिति बनी हुई है। अनपब्लिश डाटा ऐसा होता है डाटा होता है जिसे पब्लिश नहीं किया जाता, ये पर्सनल यूज के लिए गवर्नमेंट या कुछ पर्सनल NGOs है या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो अपने पर्सनल यूज के लिए डाटा कलेक्ट करती है। तो पहला आता है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये दो ये मेथड होते हैं पब्लिश और अनपब्लिश के, सेंसस क्या होता है और सैंपलिंग मेथड क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में आया है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।